गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान यानी मटेरियल साइंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पदार्थ विज्ञान क्या है। सबसे पहले हम पदार्थ विज्ञान यानी मटेरियल साइंस में हम देखेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टी, मतलब मटेरियल कौन सा मटेरियल कहाँ क्या होता है, ठीक है, मटेरियल में क्या क्या चीज आती है, हम वो देखते हैं, ठीक है। मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले मटेरियल हम देखते हैं। मटेरियल जो है मतलब पदार्थ विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थ तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है आपका? पदार्थ विज्ञान, ठीक है। पदार्थ विज्ञान में विभिन्न प्रकार के गुण जो होते हैं विद्यमान होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, हमें एक बार और बताता हूँ। पदार्थ विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के विभिन्न गुणों तथा उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है आपका? पदार्थ विज्ञान यानी मटेरियल साइंस। अब इसके अंतर्गत जो आता है पदार्थ विज्ञान, देखते हैं क्या क्या होता है पदार्थ विज्ञान में। आपकी दो चीज आती है पदार्थ में, सबसे पहली आती है आपकी धातु, दूसरा आता है आपका अधातु। धातु आता है और दूसरा आता है अधातु। अब इसमें हम देखेंगे धातु में, ठीक है, धातु क्या होती है, धातु में कौन कौन सी होती है, धातु में कौन से गुण विद्यमान होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो देखेंगे, ठीक है। और अधातु तो आपको मालूम है, ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहले धातु क्या होती है, धातु क्या है, धातु में क्या होती है, धात्विक वे तत्व जिनमें धात्विक चमक होती है तथा उसमें तन्यता आघात वर्धनीयता के गुण विद्यमान होते हैं, आपकी क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। एक बार और देखिए, धातु क्या है, धातु वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुण तन्यता आघात वर्धनीयता टेंसाइलिटी वगैरह विद्यमान हो तो क्या कहलाती है आपकी, धातु कहलाती है। और हम जानते हैं धातु क्या होती है, विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है, ये सुचालक होती है। तथा धातु में आपकी कौन कौन सी धातु आती है, जैसे हम ले सकते हैं सोडियम हुई, मैग्नीशियम हुआ, आयरन हुआ या आपका गोल्ड हुआ, ये क्या है, सब आपकी धातु है, ठीक है। धातुओं को और हम देखते हैं कैसे प्राप्त किया जाता है। धातु जो है आपका एक क्या है, खनिज पदार्थ है। धातु एक खनिज पदार्थ है। धातु क्या है, एक खनिज पदार्थ है। इसे अयस्कों के रूप में प्राप्त किया जाता है तथा अयस्क वगैरह चट्टानों के रूप में रहता है। फिर जो अयस्क रहेंगे उसको आपको क्या करना पड़ता है, धातु को विभिन्न प्रक्रमों से गुजारना पड़ता है। मतलब धातु में बड़ी बड़ी चट्टानों वगैरह अयस्क वगैरह रहते हैं, उनको क्या उसकी फिनिशिंग की जाती है, उसको सफाई की जाती है, ठीक है, जिसलिए उसको विभिन्न तरीके के प्रक्रम मशीनिंग वगैरह करके उसको जिस चीज में भी आपको जिस आकार में भी चाहिए हो आवश्यकता अनुसार इसको क्या कर लेते हैं, उस रूप में हम उसको ढाल लेते हैं, ठीक है। ये आपकी किसमें आएगी, ये आपकी धातु में आएगी, ठीक है। धातुओं का उपयोग कहाँ होता है, धातुओं का उपयोग अपन देख सकते हैं, धातुओं का उपयोग जैसे भवन निर्माण कार्य में भी किया जाता है, भवन निर्माण के कार्यों में होता है तथा कृषि यंत्र वाले वाहन में होता है। और उसके बाद आपके वायुयान हुए, समुद्री जहाज हुए तथा पुलों के ढांचे हुए, और आपके यांत्रिक उपकरण इंजीनियरिंग औजार आदि बनाने में क्या किया जाता है, हमारे धातु का उपयोग किया जाता है। धातुओं में अब अपन देखते हैं क्या धातुओं के सामान्य लक्षण क्या है, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, ठीक, देखते हैं धातुओं के सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। इसका सबसे पहला आपका क्या है लक्षण, धातुओं क्या होती है, ये सामान्य ताप पर क्या होती है धातु, ये सामान्य ताप पर ठोस होती है,
ठीक है, हम कह सकते हैं धातु जो होती है सामान्य ताप पर ठोस होती है। दूसरा पॉइंट आता है ये इनके इनके आर पार देखा जा सकता है, इनके मतलब आर पार ट्रांसपेरेंट होती है, इनके आर पार देखा जा सकता है, अर्थात ये अपारदर्शक अपारदर्शक भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है आपका, तीसरा पॉइंट आपका क्या आता है, ये धातुएं जो होती है ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। और चौथा पॉइंट आता है इन धातुओं पर पॉलिश की जाए, इन धातुओं पर क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, तो ये क्या करती है, प्रकाश को परावर्तक करती है, मतलब रिफ्लेक्शन करती है। ठीक है, यदि इन पर पॉलिश कर दी जाए तो ये प्रकाश को क्या करती है, प्रकाश जैसे ही आया प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती है ये क्या धातुएं। इसका लास्ट पॉइंट बचता है ये धातुएं, इसका आखिरी पॉइंट है पांचवा पॉइंट, ये धातुएं जो होती है गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर सिकुड़ती है। ठीक है, ये आपकी क्या हुए धातुओं के सामान्य लक्षण। ठीक है, इसके आगे हम लोग थैंक यू कल देखते हैं।